अगली बड़ी खबर छतरपुर के नौगांव से, जहां पर शव ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला। शव को स्ट्रेचर पर ले जाया गया शमशान घाट तक। शासकीय टीबी अस्पताल में इलाज चल रहा था। तो छतरपुर के नौगांव से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शव ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला। शव को स्ट्रेचर पर शमशान घाट तक ले जाया गया। आपको बता दें कि मृतक का शासकीय टीबी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसे शमशान घाट तक ले जाने के लिए शव वाहन नहीं मिला, जिसके चलते उसे स्ट्रेचर पर शमशान घाट तक ले जाया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कपिल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी कपिल, शव ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला, जिसके चलते शव को स्ट्रेचर पर शमशान घाट तक ले जाया गया, क्या कुछ पूरा मामला है? जी प्रतीक्षा जी, ये बड़ी शर्मसार कर देने वाली घटना है। ये जो मृतक है उसका नाम कल्लू पिता धनीराम, जो की उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का निवासी है। ये परसों रात में अपना इलाज करवाने टीवी का इलाज करवाने नौगांव आया था, जिसको 108 की मदद से शासकीय टीवी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था यहाँ के स्थानीय नागरिकों के द्वारा। लेकिन उसकी अचानक कल सुबह 6 बजे मृत्यु हो जाती है, और कल सुबह से लेके अब तक यानी आज तक उसके परिजनों को सूचित किया गया, लेकिन परिजन नहीं पहुंचे 24 घंटे में। तो डॉक्टर जो अस्पताल के डॉक्टरों ने उसको लावर क्लास समझकर जलाने के लिए स्वीपर्स के हवाले कर दिया, लेकिन स्वीपर्स उसको टीवी अस्पताल से लेकर NH-75 के मार्ग से शमशान घाट तक, यानी बोल सकते हैं करीब 1 किलोमीटर का रास्ता स्ट्रेचर पर ही लेकर गए। जबकि नौगांव नगर पालिका को प्रतीक्षा जी शव वाहन की सुविधा है, स्थानीय विधायक के द्वारा शव वाहन दिया गया था, लेकिन हम देख सकते हैं प्रतीक्षा जी की खुद कि अस्पताल प्रबंधन की साफ साफ लापरवाही के चलते इस शव को खुलेआम करेआम